अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रमेश अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 12 जो है, अब हम बात करने लगे हैं डिसऑर्डर्स की। तो जीआई ट्रैक जो है वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया, कहाँ पे क्या होता है, किस किस तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस होता है। नाउ वी आर गोइंग टॉक अबाउट कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है। तो बहुत आसान से टॉपिक्स हैं, बहुत तेज़ी से मैं गो थ्रू करवाऊँगा। नाउ फर्स्ट हमारे पास है डायरिया। सो डायरिया, एवरीवन नोज कि डायरिया इज आल्सो नोन एज लूज मोशंस। बेसिकली होता क्या है डायरिया के अंदर, आपकी जो जीआई ट्रैक्ट है, ठीक है, आपकी जो इंटेस्टाइन है, उसके अंदर खाने की जो मूवमेंट की एक स्पीड होती है कि इस स्पीड से जो है वो खाना आगे बढ़ेगा, और बॉडी जो है वो उसे खुद कंट्रोल करती है, क्योंकि बॉडी को पता है कि किस स्पीड के ऊपर जो है वो बेटर एब्जॉर्प्शन हो सकती है, यानी बेस्ट एब्जॉर्प्शन किस स्पीड के ऊपर हो सकती है, उस स्पीड के ऊपर आपका खाना जो है वो आगे बढ़ रहा होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि रैपिड मूवमेंट होने लगती है, किसी वजह से जो मोर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। जब मोर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ये जीआई ट्रैक्ट है, ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर ये फूड है, अगर ये बहुत तेज़ी से मूव कर जाएगी तो इसमें से एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी। जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकेगी तो इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो सॉल्यूट पार्टिकल्स वाटर को ड्रॉ करेंगे, और इसकी वजह से जो फीसिस पास होंगी वो वाटरी होंगी। तो वाटरी फीसिस पास होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं डायरिया, इस कंडीशन को हम कहते हैं लूज मोशन। अब ये मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है, ठीक है। एक तो सिंपल है जिसको हम कहते हैं साइकोजेनिक डायरिया। साइकोजेनिक डायरिया जो है ये नर्वस टेंशन की वजह से होता है। बंदा जब किसी भी शख्स को जब एंग्जाइटी होती है तो बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा होता है कि वो अपना जो स्फिंक्टर कंट्रोल है वो लूज़ कर देते हैं, और उनके अंदर जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है। सॉरी, स्फिंक्टर कंट्रोल नहीं लूज़ करते, उनके अंदर जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो ये साइकोजेनिक डायरिया होता है। एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं एंट्राइटिस। तो आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन होता है, एंट्रो जो है वो इंटेस्टाइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो एंट्राइटिस जो है ये इंटेस्टाइनल ट्रैक की इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन है, जो कि वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है। तो होता ये कि ये कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि इंटेस्टाइन, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया जो है ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करेगा जो क्या करेंगे, ये आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये सेल है जो कि इंटेस्टाइन बना रहे हैं, तो ये ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करेंगे जो कि इस सेल से जाके क्या करेंगे, जो सॉल्यूट है, सोडियम है, क्लोराइड है, उनको डंप करवा देंगे। जब सोडियम और क्लोराइड जो है वो बहुत ज़्यादा डंप होने लगेंगे इस इंटेस्टाइन के अंदर, तो आपको पता है सॉल्यूट जो है वो अट्रैक्ट करता है वाटर को, तो वाटर भी आने लगेगा। जब बहुत ज़्यादा वाटर आ जाएगा तो जो फीसिस पास होंगे, जो वेस्ट निकलेगा, वो वाटरी होगा, तो इस कंडीशन को भी हम डायरिया कहते हैं, ठीक है। तो म्यूकोजा की इन्फेक्शन होता है, ये जो आपकी लाइनिंग है अंदर की, इसको म्यूकोजा कहते हैं। ये इरिटेट होती है क्योंकि ऐसे केमिकल्स या ऐसे टॉक्सिन्स ये प्रोड्यूस करते हैं, तो इंटेस्टाइनल वॉल की जो मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती। इसी तरह का डायरिया जो है वो कॉलरा कॉज करता है। कॉलरा, विब्रियो कॉलरा एक बैक्टीरिया है जो कि कॉलरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये भी यही करता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो सॉल्यूट जो है वो प्रोड्यूस करवाता है इंटेस्टाइन के अंदर, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट डलवा देता है, जिसकी वजह से वाटर फॉलो करता है, और वाटर के आने की वजह से ये वाटरी डायरिया, बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया कॉज करता है। इसको राइस वाटर डायरिया कहते हैं, यानी ऐसा लगता है कि जैसे चावल भिगोते हैं तो उसका जो पानी होता है उस तरह का डायरिया होता है, ठीक है। अच्छा, अब मसला क्या है, तो डायरिया से मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों इसे हम प्रॉब्लम कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज इससे एक्सट्रीम क्वान्टिटीज, एक तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन्स लॉस होता है ना। ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए। अगर आपकी बॉडी से बाइकार्बोनेट आयन लॉस हो जाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर एच पॉजिटिव आयन्स जो है वो बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से आपका ब्लड जो है वो एसिडिक हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा आयन्स, दूसरे आयन्स जो है लाइक सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, वो लॉस हो जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग के लिए, तो बहुत सारे आयन्स लॉस होने की वजह से जो है वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं। इतना ज़्यादा वाटर जो लॉस होता है उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकती है, और यही वजह होती है बहुत ज़्यादा डायरिया जब लोगों को होता है तो डिहाइड्रेशन की वजह से और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस की वजह से जो है वो लोगों की, पेशेंट्स की डेथ हो जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट यही होती है कि आप बहुत ज़्यादा वाटर जो है उसकी वो करें, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा दें पेशेंट्स को, ताकि उनका जो इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस है वो ठीक हो जाए, उनके अंदर जो डिहाइड्रेशन है, क्योंकि डिहाइड्रेशन होती है उसकी वजह से आपका जो ब्लड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो दिस इज़ डायरिया, ठीक है। एंटीबायोटिक्स मौजूद होती हैं जो कि बैक्टीरियल डायरिया जो है उसे ट्रीट करते हैं। वायरल डायरिया जो है वो यूजुअली सेल्फ लिमिटेड होता है, आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देनी होती है, आपको वाटर देना होता है, ORS जो है वो देते हैं, ORS के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होता है। एक कंडीशन हमारे पास जैसे हम कहते हैं डिसेंट्री। नाउ डिसेंट्री बेसिकली होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन जो होती है उसकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन को। तो कुछ हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो ज़्यादा डैमेजिंग होते हैं, यानी इससे ज़्यादा डैमेजिंग होता है। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये आपकी जो म्यूकोजा है उसको डैमेज करते हैं, उसको इन्वेड करते हैं, उसको क्रॉस करके जाते हैं, और ब्लड जो है उसकी वजह से जो है वो इतना ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं कि ब्लड लीक करने लगता है। तो अब की बात डायरिया खाली नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ आपको ब्लड नज़र आता है स्टूल्स के अंदर।
डायरिया हो भी सकता है, नहीं भी होगा, लेकिन आपको स्टूल्स के अंदर जो है वो ब्लड नज़र आता है। तो जब भी स्टूल्स के अंदर ब्लड नज़र आता है, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डिसेंट्री का। अब डिसेंट्री जो है ये दो तरह की, एक को हम कहते हैं बैसिलरी डिसेंट्री और एक को हम कहते हैं अमीबिक डिसेंट्री। बैसिलरी बैसिलस अगर आपको याद हो तो रॉड शेप बैक्टीरिया को बैसिलस कहते हैं। तो देर आर मल्टीपल बैक्टीरिया जो कि डिसेंट्री कॉज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक का नाम है शिगेला, ठीक है, एक का नाम है शिगेला, एक का नाम है इकोलाई, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हैं जो कि डिसेंट्री कॉज कर सकते हैं, यानी इतना ज़्यादा डैमेज करते हैं इंटेस्टाइन को कि ब्लड जो है वो लीक करने लगता है। तो इनके लिए भी एंटीबायोटिक्स आती हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो ट्रीट कर देती हैं इन्फेक्शन को, ठीक है। दूसरा अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री जो है ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है, एक तरह का अमीबा है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। ये भी इतना ज़्यादा डैमेज करता है इंटेस्टाइन को कि ब्लड जो है वो लीक करने लगता है। तो ब्लड जो है वो आपको स्टूल के अंदर यानी आपके जो वेस्ट है उसके अंदर आपको नजर आने लगता है, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो है वो पहले इंटेस्टाइन को डैमेज करता है, उसके बाद ये पोर्टल सिस्टम, हमारी जो पोर्टल वेन है जो कि लिवर को कनेक्ट, लिवर से कनेक्ट करती है आपकी इंटेस्टाइन को, पोर्टल वेन से जो है वो गुजरता है, वह लिवर के अंदर आता है, फिर लिवर के अंदर भी एक प्रॉब्लम कॉज करता है जिसको लिवर एब्सेस कहता है। ओके, नेक्स्ट जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। सबको पता है इसको उर्दू में कब्ज़ कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, जिस तरह डायरिया था जिसके अंदर फास्ट मूवमेंट हो रही थी तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही थी, तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर स्लो मूवमेंट होती है। तो फीसिस जो है उनकी बहुत ज़्यादा स्लो मूवमेंट होगी, जाहिर है जब एक चीज़ बहुत वक्त तक पड़ी रहेगी तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये ड्राई और हार्ड हो जाएगी, तो इसको पास करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो वाटर जो, जिनका वाटर इनटेक बहुत कम होता है उनके अंदर ये बड़ा मसला है। इसके अलावा जिनकी इरेगुलर बाउल हैबिट्स होते हैं, यानी इरेगुलर बाउल हैबिट्स का मतलब ये कि आपको महसूस हो रही है ज़रूरत कि आपको जो 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 सॉलिड वेस्ट है वो पास करना है, आपको बाथरूम जाना चाहिए बैठे हुए लेकिन नहीं जा रहे, तो होता ये कि बहुत वक्त तक जो है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो पड़ा रहता है, जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन होती रहती है और फिर इतना ज़्यादा ड्राई हो जाता है कि जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। तो वाटर का इंटेक जो है वो बढ़ाना है। इसके अलावा जो फाइबर है जो डाइट के अंदर, आपको जब भी कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट की बात होती है तो वाटर का इंटेक बढ़ाने को कहते हैं ताकि स्टूल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, और दूसरा जो है वो डाइट के अंदर फाइबर्स ऐड करने को कहा जाता है। फाइबर्स बेसिकली क्या हैं, जो कि आपकी प्लांट्स हैं वो खाने से ये होता है कि उसके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है, जो सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं वो आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो जब आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते तो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर पड़े रहते हैं, तो ये फाइबर्स हैं। जब फाइबर्स पड़े रहेंगे तो ये वाटर को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, जब ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं तो ये वाटरी हो जाता है, जब ये वाटरी हो जाता है तो ये हार्ड नहीं रहता, तो फिर ये आसान होता है। तो इस फगोल की भूसी खाने को कहते हैं, उसके अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं, वो फाइबर्स क्या करते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, और वाटर के आने की वजह से ये ड्राई नहीं रहता और पास हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज कॉन्स्टिपेशन लीड्स टू दिस कंडीशन विच इज़ कॉल्ड पाइल्स। पाइल्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं हेमरॉइड्स, ठीक है। उर्दू में इसे बवासीर कहते हैं, आपने बहुत सारी जगहों के ऊपर देखा होगा कि बवासीर का इलाज, तो बवासीर जो है बेसिकली वो पाइल्स को कहते हैं, ऐसे हेमरॉइड्स भी कहते हैं। पाइल्स एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो एनस है उसके अराउंड की जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं, सूज जाती हैं। उसका रीज़न ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जब अप्लाई किया जाता है, या तो वेट लिफ्टिंग हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट करते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है नीचे की तरफ, या फिर आपको क्रॉनिक कफ है, आप फॉर एग्जांपल टीबी का पेशेंट है, टीबी का पेशेंट मुसलसल खांस रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा आप जब खांसते हैं आपने फील किया होगा कि आपका जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है, जब वो नीचे की तरफ जाता है तो आपके जो एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं उनको प्रेशर पड़ता है, तो वो सारा प्रेशर ट्रांसफ़र होता है नीचे की तरफ। या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो, जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगी तो आप फीसिस को, ड्राई हार्ड फीसिस है ना, उन्हें पास करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से जो वेन्स होती हैं अराउंड दी एनस तो वो स्ट्रेच हो जाती है, तो इन स्ट्रेचिंग की वजह इस स्ट्रेच वेन्स को जो हम पाइल्स कहते हैं या इन्हें हेमरॉइड्स कहते हैं। अब ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल पाइल और इंटरनल पाइल। एक्सटर्नल पाइल जो है दे आर कवर्ड बाय द स्किन, तो स्किन से आपको फील होगा, एक बम्प जो है ना वो फील होगा, इंटरनल पाइल जो है ये अंदर की तरफ होता है। मोस्ट कॉमन कॉज जो है पाइल का वो कॉन्स्टिपेशन, मैंने बताया। कोई भी रीज़न जिसकी वजह से आप प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं तो यूजुअली कॉन्स्टिपेशन के अंदर आप डेफिकेट करने के लिए या बॉडी से वेस्ट निकालने के लिए प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, बट कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो जा रहा है तो उनके अंदर जो है वो पाइल्स हो सकते हैं, पाइल्स या हेमरॉइड हो सकते हैं। तो अवॉइड करने के लिए जो भी कॉज है उसको अवॉइड करें, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो वही फाइबर्स ऐड करें डाइट के अंदर, वाटर ऐड करें डाइट के अंदर, अगर आप को कफ है तो कफ का इलाज करें, वेट लिफ्टिंग है तो उसके अंदर आप देखें कि बहुत ज़्यादा वेट ना उठाएं, तो ये ट्रीटमेंट होती है। मैं दिखाऊंगा पाइल्स जो है वो किस तरह के होते हैं, मैं दिखाई देता हूँ वरना मैं भूल जाता हूँ। ऑलराइट, तो ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें, ये
एनस की जो है एनल ओपनिंग जो है उसकी लिमिट है। तो ये पाइल्स हैं जो कि बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल पाइल हैं और ये पाइल्स हैं जो कि इंटरनल ही हैं। तो ये स्ट्रेच्ड हैं, स्ट्रेच वेन्स हैं जो कि प्रेशर की वजह से, इनकी इनकी क्लासिफिकेशन भी होती है लाइक फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री अंदर की तरफ होते हैं, सेकंड डिग्री थोड़ा नीचे की तरफ आ रहे हैं, थर्ड डिग्री बाहर आते हैं, खुद चले जाते हैं, फोर्थ डिग्री बाहर ही रह जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये, अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है, ये वेन्स हैं, ये जो वेन्स हैं एनस के अराउंड, तो ये जो हैं डायलेट हो जाती हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पाइल। ये एक्सटर्नल पाइल है जो कि एक्सटर्नल टू दी ओपनिंग है, और ये इंटरनल पाइल है जो कि इंटीरियर है। फिर इसकी जो है वो ट्रीटमेंट होती है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है, जो बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि ज़ाहिर है पेनफुल भी होते हैं ये। तो लोगों की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है इससे, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो अवॉइड करने के लिए आप मेनली तो कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करें, बट और भी जो रीजन है उन्हें अवॉइड करें। द नेक्स्ट कंडीशन इज कॉल्ड डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया बेसिकली कहते हैं एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फॉलोइंग मील। एपिगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है, आपका जो स्टर्नम है, जो सेंट्रल बोन है, ठीक है, चेस्ट बोन जो है वो जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है ना, ये वाला रीजन कहलाता है एपिगैस्ट्रिक रीजन। यहाँ पे स्टमक मौजूद होता है आपका, तो एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट यहाँ पर जो है वो जलन सी फील होती है, यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन या अजीब सी फीलिंग होती है आफ्टर मील, तो खाने के बाद, जिसे जैसे बदहजमी जो है आमतौर पर लोग कहते हैं, ठीक है। तो डिस्पेप्सिया जो है इस कंडीशन को कहते हैं, एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट आफ्टर मील, खाने के बाद आपको बदहजमी सी फील होती है यहाँ पर। अच्छा, इट मे बी ड्यू टू पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर नेक्स्ट कंडीशन है जो कि मैं डिस्कस करूँगा। तो पेप्टिक अल्सर जो है उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि हार्ट बर्न होता है, आपको तेजाबियत सी फील होती है, फ्लैटुलेंस होती है, डकारें आती हैं, एनोरेक्सिया होता है, आप फर्दर खाने का दिल नहीं करता, यानी आपको बहुत जल्दी जो है ना वो फुलनेस फील होती है, आप थोड़ा सा खाते हैं उसके बाद आपको लगता है कि आपका पेट जो है वो भर गया। नौजिया होता है, यानी ऐसी फीलिंग होती है कि वॉमिटिंग आने वाली है, कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी हो जाती है, और एबडामिनल पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डिस्पेप्सिया के अंदर देखने को मिल सकती हैं। मजे की बात ये है कि कुछ लोगों को डिस्पेप्सिया होता है लेकिन उसका कोई कॉज नहीं पता लग सकता, यानी आपने सारे टेस्ट करवा लिए, आपने जो है वो झांक के भी देख लिया, आपको पता है कैमरे वाला टेस्ट होता है जो कि मुँह के जरिए कैमरा डाल के देखते हैं अंदर, तो आपने झांक के भी देख लिया, आपको कोई अल्सर नहीं मिल रहा, आपको कोई रीज़न नहीं मिल रहा, कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं मिल रहा, तो ऐसा डिस्पेप्सिया जो है वो कहलाता है फंक्शनल डिस्पेप्सिया। ठीक है, जिसके अंदर कोई कॉज ना मिल रहा उसे हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। तो इसका रीज़न हमें भी नहीं पता, बट स्टिल बहुत सारे लोगों के अंदर ये डिस्पेप्सिया रहता है ना। पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर बेसिकली डैमेज एरिया, अल्सर बेसिकली कहते हैं डैमेज एरिया ऑफ द म्यूकोजा। अब देखें, एक हमारे पास ये एक लाइनिंग है, ठीक है, ये इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, अगर इसकी बहुत सुपरफिशियल सी लेयर जो है वो हट जाए तो हम इसे इरोजन कहते हैं, लेकिन अगर ये डीप डैमेज हुआ हुआ है, ये पूरा एरिया जो है ये रिमूव हो गया है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड अल्सर। तो अल्सर कहते हैं डैमेज एरिया ऑफ द म्यूकोजा को। अच्छा, ये क्यों होता है? डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस की वजह से। आपके स्टमक के अंदर आपको पता है गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर HCl मौजूद है। अब HCl जो है वो डैमेजिंग है, तो उससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने आपको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दिए हैं। अभी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या करते हैं, एक तो म्यूकोजा जो है, सॉरी म्यूकस जो है वो कवर करता है आपके स्टमक की लाइनिंग को, उसके अलावा भी कुछ केमिकल्स हैं जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इन केस या तो आपका जो स्टमक की एसिड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, कुछ लोगों के अंदर जो है वो एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो इन दैट केस आपके जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स है ना, देखें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म नॉर्मल काम कर रहे हैं जिस लेवल पे करना चाहिए, लेकिन एसिड प्रोडक्शन बढ़ गई। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को ट्यूमर होता है, उस ट्यूमर के अंदर एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है। आपको पता है गैस्ट्रिक जूस को बढ़ाने के लिए जो है वो एक केमिकल रिलीज़ होता है, गैस्ट्रिन, एक हार्मोन रिलीज होता है। तो अगर गैस्ट्रिन, कुछ लोगों को गैस्ट्रिनोमा होता है, एक ऐसा ट्यूमर है जो कि गैस्ट्रिन प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होगा तो बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होगा, तो आपका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा, तो उस वजह से भी अल्सर हो सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका एसिड नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन आपके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो सही काम नहीं कर रहे, तो उस कंडीशन में भी अल्सर हो सकता है। तो फर्स्ट फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द डुओडेनम या डडेनम जिसे कहते हैं, ये स्टमक है, ठीक है, स्टमक से जो पहला पाइप स्टार्ट होता है वो डिडेनम कहलाता है। तो इसके अंदर डिडेनल अल्सर कहलाएगा, और अगर स्टमक के अंदर है तो गैस्ट्रिक अल्सर। तो ज़्यादातर डिडेनम के अंदर होते हैं और कुछ हद तक जो है वो स्टमक के अंदर होते हैं, तो दोनों को मिलाकर पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अगर डिडेनम के अंदर पेप्टिक अल्सर हो रहा है तो डिडेनल अल्सर कहलाता है, और अगर स्टमक के अंदर है तो गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। यहाँ पर भी चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ से जो एसिड है कई बार वो ऊपर की तरफ जा सकता है, इसको इफ्लक्स कहते हैं, सॉरी रिफ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफीजियल
रिफ्लक्स डिजीज़। होता यह है कि यहाँ पर जो स्फिंक्टर होता है, आपको याद होगा यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर होता है जो कि रोकता है एसिड को वापस जाने। तो कार्डियक स्फिंक्टर अगर किसी का सही से काम नहीं कर रहा तो स्टमक के कॉन्टेंट जो है ना वो ऊपर की तरफ जाता है, तो उनके अंदर यहाँ पर भी अल्सर हो सकता है। इतना ज़्यादा डैमेज बार बार अल्सर एसिड से होगा तो यहाँ पर भी अल्सर कॉज हो सकता है। ठीक है, तो अल्सर जो है वो या तो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ एसिड से होगा और उसके बाद जो पेप्सिन मौजूद है वो जाकर डैमेज करेगा, या फिर जो आपके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं वो अगर प्रॉपर काम ना करें तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ड्यूडिनल पेप्टिक अल्सर जो है वो स्ट्रांगली हेरिडिटरी है, यानी इस एरिया के अंदर अगर अल्सर हो रहा है तो वो जेनेटिकल भी होता है। कुछ लोगों के जेनेटिक्स के अंदर भी होता है, दे आर मोर प्रोन टू, और वो रीज़न यही हो सकता है कि उनके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शायद प्रॉपरली वर्क ना कर सके। देर आर साइकोजेनिक फैक्टर्स भी हैं लाइक स्ट्रेस और एंगजाइटी। ये स्ट्रेस और एंगजाइटी जो है ना, ये जो आपके प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म हैं उन्हें प्रॉपरली वर्क नहीं करने देते। तो जब आपका जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो सकेगी, या ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, अगर वो डिक्रीज हो जाएंगे आपकी एंगजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो नॉर्मल एसिड प्रोडक्शन भी जो है वो आपको डैमेज कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ जो मैं और बताना चाह रहा था वो है कुछ पेन किलर्स जिनको हम एनसेड कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, एनसेड। अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें आर्थराइटिस होता है, ठीक है, तो वो उनके अंदर वो क्रॉनिक पेन जो होता है उसके लिए मुसलसल यूज़ कर रहे होते हैं एनसेड। इसके अलावा भी बहुत सारी कंडीशन है जिसके अंदर लोग पेन किलर इस्तेमाल करते हैं लंबे अरसे तक। तो बहुत सारी पेन किलर्स हैं जो कि ये कॉज कर सकती हैं। बेसिकली ये भी वही काम करती हैं, एनसेड जो है ये ब्लॉक करती हैं उन केमिकल्स को जो कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो आपका मेंटेन कर रहे थे। तो अगर आप ये केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए, तो उनके अंदर भी चांसेस होते हैं कि अल्सरेशन जो है वो हो सकते हैं। तो अल्सर्स की ट्रीटमेंट होती है, इसके अंदर जो है वो इवन आपका जो वो है एक तरह का बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, वो अगले फूड पॉइजनिंग के अंदर दिया हुआ है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, वो भी जो है वो अल्सर कॉज करने के अंदर शामिल होता है। तो अगर बैक्टीरिया की वजह से तो एंटीबायोटिक देते हैं, अदरवाइज एक तरह की मेडिकेशन होती है, आपने राइजिक का नाम सुना होगा, राइजिक का नाम सबने सुना होता है, इसको हम कहते हैं PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये जो प्रोटॉन पंप है ये एसिड प्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको जाके ये राइजिक रोक देती है जिसकी वजह से एसिड प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो उनके अंदर जो है वो अल्सर से जो डैमेज हो रहा होता है वो कम हो रहा होता है, और फिर हीलिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा होता है।